साथियों, मोदी जी आज फतेहाबाद आए और आकर सिख दंगों की बात कर कर गए। पर बताओ मोदी जी कि क्यों भूल जाते हो कि जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात में दंगे हुए, क्या उनको न्याय दिला पाए? आप प्रधानमंत्री थे हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, एक बार भी उनकी तरफ आपने देखने का काम किया? पंचकुला के अंदर जिस तरीके से नियत्ता डेरा भक्तों के ऊपर आपकी सरकार ने गोलियां चलवाने का काम किया, आप क्यों चुप बैठे रहे? बताओ मोदी जी, जो मूर्थल के अंदर हमारे प्रदेश पर एक कलंक लगाने का प्रयास आप लोगों ने किया, क्या एक बार भी आपने आकर उस चीज को समझने का काम किया कि केवल मात्र हरियाणा को बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं? साथियों, आज झूठ से बचकर प्रदेश को बचाने का समय आ गया। ये आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोग झूठी बातें कर कर कहीं ना कहीं हमारे बीच में बंटवारा कराना चाह रहे हैं, आज उनको जवाब दो। वोट की चोट मारकर जननायक जनता पार्टी आम आदमी। साथियों, मोदी जी आज फतेहाबाद आए और आकर सिख दंगों की बात कर कर गए। पर बताओ मोदी जी कि क्यों भूल जाते हो कि जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात में दंगे हुए, क्या उनको न्याय दिला पाए? आप प्रधानमंत्री थे हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, एक बार भी उनकी तरफ आपने देखने का काम किया? पंचकुला के अंदर जिस तरीके से नियत्ता डेरा भक्तों के ऊपर आपकी सरकार ने गोलियां चलवाने का काम किया, आप क्यों चुप बैठे रहे? बताओ मोदी जी, जो मूर्थल के अंदर हमारे प्रदेश पर एक कलंक लगाने का प्रयास आप लोगों ने किया, क्या एक बार भी आपने आकर उस चीज को समझने का काम किया कि केवल मात्र हरियाणा को बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं? साथियों, आज झूठ से बचकर प्रदेश को बचाने का समय आ गया। ये आप सबसे